देखो थर्ड वाला क्वेश्चन फोकस करो, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ऑफ ई पॉइंट फोर पी ऑफ एफ पॉइंट टू, पी ऑफ ई क्या है पॉइंट फोर और पी ऑफ एफ क्या लिखा गया है पॉइंट टू, अगर ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा डार्क आउट कर देता हूँ, पी ऑफ ई जो है वो पॉइंट फोर है और पी ऑफ एफ जो है वो पॉइंट टू है, वन एज टू फाइंड पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। अब बच्चों मेरी बात सुन लो कि यहाँ पे जो चार चॉइस है उसको फोकस करो, लेकिन कहीं ना कहीं पीडीएफ आपको भेजी जाएगी उसमें डी चॉइस साइड पॉइंट कुछ नंबर होगा पॉइंट 20 या 21 ऐसा है, बट उसको निकाल के मैंने नन ऑफ दिस कर दिया कि कुछ नंबर्स को लेके या कुछ आंसर की को लेके कुछ तकलीफ है, बट अभी हम लोग सही क्वेश्चन से जा रहे हैं, वो करेक्शन देख लेना जो पीडीएफ आपको आएगी वो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा सॉल्यूशन के लिए। अब बच्चों सॉल्यूशन के ऊपर आ जाओ, तो E कॉमा F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, वंस द E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो मेरी बात ठीक से समझ लो कि E इंटरसेक्शन F, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, उसको आप लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे P ऑफ E इंटू P ऑफ F, मतलब इंडिपेंडेंट के लिए ये फॉर्मूला है P ऑफ E इंटरसेक्शन F कैन बी एक्सप्रेस एज P ऑफ E इंटू P ऑफ F। अब P ऑफ E डेटा में 0.4, P ऑफ F जो है वो 0.2। अब मैं बोल रहा हूँ कि P मेरे को क्या चाहिए P ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F डैश, अगर E इंडिपेंडेंट है F इंडिपेंडेंट है तो रिमेंबर प्लीज E डैश एंड F डैश दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, तो P ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F डैश कैन बी एक्सप्रेस एज P ऑफ E डैश इंटू P ऑफ F डैश, अगर P ऑफ E 0.4 है तो P of E dash क्या होगा तो 1 minus 0.4 वो 0.6 हो जाएगा, P of F 0.2 है तो 1 minus 0.2 तो P of F dash क्या हो जाएगा 0.8, तो P of E dash 0.6, P of F dash 0.8, तो 0.6 into 0.8 0.48 होगा। अब 0.48 वाली कोई चॉइस नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें भी नहीं है, तो आपको क्या करना है कि ये आंसर कहीं भी गलत नहीं है, मतलब मैंने एक चॉइस दी लगा दी है नन ऑफ दिस, तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या होगा डी नन ऑफ दिस। फिर से एक बार देख लो, ई एंड एफ आर, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, P of E 0.4, P of F 0.2. One is to find P of E dash intersection F dash. So that can be expressed as P of E dash into P of F dash. 0.6 into 0.8. This will be same as 0.48. कहीं भी नहीं है तीन में, तो मैंने D choice correct करके लगा दिया none of this, तो आपका correct answer हो जाएगा choice D. देख लो. फोकस करो, चल आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है कि E एंड F आर द इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट P ऑफ E इक्वल्स टू 0.4, P ऑफ F इक्वल्स टू 0.2, राइट। वन हैज टू फाइंड P ऑफ E डैश बाय F डैश, निकालना क्या है, वन हैज टू फाइंड P ऑफ E डैश बाय F डैश। अब मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा बच्चों कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट, तो वापिस एक चीज यही आएगी कि अगर E एंड F आर इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। अब P ऑफ E इंटरसेक्शन F का इंटरेस्ट मेरा नहीं है,
बट अगर मैं एक बार लिख दूं अगर ई एन एफ इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, तो आगे चल के मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ बच्चों कि ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, अगर ई इंडिपेंडेंट है तो ई डैश भी इंडिपेंडेंट, एफ इंडिपेंडेंट है तो एफ डैश भी इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे आएगा पी ऑफ ई डैश इंटू पी ऑफ एफ डैश, जिसकी मेरे को जरूरत पड़ सकती है। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग, पी ऑफ ई डैश बाय एफ डैश, जिसको मैं एक्सप्रेस करूंगा पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश अपॉन पी ऑफ एफ डैश। अब पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इसको लिखेंगे पी ऑफ ई डैश, इसको लिखेंगे p of f dash upon p of f dash, तो मैं समझता हूँ वहां तक one can cancel this p of f dash, one can cancel p of f dash, तो remaining is p of e dash, जिसको लिखो one minus p of e, अब p of e क्या है 0.4, one minus 0.4 that is 0.6, तो आपका p of e dash by f dash जो निकल के आएगा वो क्या होना चाहिए 0.6, और एज पर माई नॉलेज 0.6 आपकी जो चॉइस हो जाएगी वो कौन सी चॉइस होगी, सी। वोट के लिए आपकी चॉइस हो जाएगी सी।